हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं डेसिमल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3 ऑल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करवाने वाला। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर वन है विच इज़ ग्रेटर। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये जहाँ पे हम लोग को दो डेसिमल्स के नंबर्स दिया है उसमें से कौन सा ग्रेटर है, मतलब कौन सा बड़ा है हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देख के बता दोगे तो आप लोग डायरेक्ट बोल दोगे कि 0.4 बड़ा है। यहाँ पे 0.3 छोटा, ऑब्वियसली 0.3 छोटा होगा, 0.4 जो है वो बड़ा होगा। पर अगर आप लोग को ये पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोग को और एक ट्रिक से समझाता हूँ। तो अगर मैं दोनों नंबर को 10-10 से अगर इंटू कर देता हूँ, इससे कोई नंबर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको सिर्फ इंटू नहीं 10 से कर रहा, दोनों को नंबर को 10 से इंटू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक को 10 से इंटू कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, दोनों नंबर को 10-10 से इंटू करूँगा, इससे कोई नंबर चेंज नहीं होगा, बस वो थोड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा। फिर इसके लिए मैं इन दोनों नंबर को 10-10 से इंटू करूँ। तो अगर मैं 0.3 को 10 से इंटू करूँगा तो ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे इसको 10 से इंटू करूँगा तो ये पॉइंट इधर आके हो जाएगा ये 4। तो अभी तो आप लोग बता सकते हो कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो 4 नंबर है, मतलब 0.4 है, वो बड़ा है 0.3 यानी 3 से। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे कि 0.4 ग्रेटर देन 0.3। तो ऐसे आप लोग इसे समझ के सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लोग देख के पता चल जाता है कि 0.3 जो है छोटा और 0.4 जो है वो बड़ा है। और बी पार्ट में यहाँ पे दो टर्म है, तो यहाँ पे इस बार हम लोग 10 की जगह 100 से इंटू कर देते, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, एक दो छोड़ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7। ये जीरो से नहीं लिखे तब भी चलेगा। इसको भी 100 से इंटू कर देंगे तो ये पॉइंट इधर आके हो जाएगा 2। अब 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो ऑब्वियसली तो हम लोग लिख देंगे 0.07 ग्रेटर देन 0.02। तो आप लोग को इसे ऐसे सॉल्व करना है, या तो आप लोग देख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं जो मैंने रिमेनिंग पार्ट्स थे वो यहाँ पे आंसर्स के साथ लिख चुके, तो अभी मैं समझाता हूँ कि मैंने कैसे किया। तो यहाँ पे मैंने सब क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 100 से इंटू 10 से इंटू 1000 से इंटू वही किया है, जिससे आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आप लोग देख के भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग को पॉइंट्स यानी डेसिमल्स नहीं समझ में आता तो यहाँ पे आप लोग 100 से इंटू 1000 से इंटू करके और क्लैरिफाई करके एकदम अच्छे से आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे था क्वेश्चन 3 और 0.8। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 0.8 का पॉइंट इधर लाना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 से इंटू करेंगे, पर हम लोग को इससे भी इस 3 को भी 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो हम लोग ने दोनों नंबर को इंटू 10 किया, तो ये इसको 10 से इंटू करने का दिया हो गया 3 10 30, और पॉइंट 0.8 का पॉइंट जो है वो 8 के बाद आ गया, तो ये हो गया 8। तो आप लोग को पता है अभी कि 3 बड़ा है कि 0.8 बड़ा है? ऑब्वियसली 3 बड़ा है, क्योंकि 30 जो है वो 8 से बड़ा है। इसके लिए मैंने लिखा है 3 इज़ ग्रेटर देन 0.8। फिर डी पार्ट में हम लोग का था 0.5 और 0.05। तो यहाँ पे मैंने इंटू 100 किया इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो नंबर बाद पॉइंट लगाना था, पर यहाँ पे हम लोग को एक नंबर बाद ही पॉइंट लगाना था। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो नंबर बाद पॉइंट लगाना था करके मैंने इधर 100 से इंटू किया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो दो नंबर छोड़ के लग जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक ही नंबर है तो हम लोग और इधर 0 लगा के इसको और एक पॉइंट आगे कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इसे 0.5 का अगर पॉइंट इधर लाएंगे तो ये 10 से इंटू किया, पर हम लोग ने 100 से इंटू किया तो ये जो पॉइंट है वो 0 लग के और एक बार आगे आ गया। क्योंकि अगर कोई नंबर रहता नहीं तो हम लोग 0 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 50 हो गया और वो 5 हो गया। तो अभी 50 बड़ा है कि 5 बड़ा? तो आप लोग को पता है कि 50 जो है वो 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 0.5 है ग्रेटर देन 0.05। फ्री पार्ट में 1.23 और 1.2। तो यहाँ पे मैंने 100 100 से इंटू किया दोनों नंबर को, तो ये पॉइंट 100 से इंटू होकर यहाँ ये दो नंबर छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 123। और ये वाला पॉइंट दो नंबर छोड़ के यानी 2 को भी छोड़ के फिर डायरेक्ट 0 लगा के वो छोड़ के 120 हो गया। फिर इससे क्या होगा कि ये हो गया 123, ये हो गया 120। अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि 123 जो है वो 120 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1.23 ग्रेटर देन 1.2, मतलब इससे बड़ा है। फिर एफ पार्ट में 0.099 यहाँ पे और 0.19। फिर इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे तीन नंबर दे तो इंटू 1000 किया, फिर ये जो है 1 2 3 नंबर छोड़ के इधर आ गया, फिर 0 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हो गया 99। फिर यहाँ पे इसको 1000 से इंटू किया तो ये 19 दो नंबर हो गया, फिर और एक 0 डाल के और उसके आगे भी पॉइंट डाल के हो गया 190।
फिर आप लोग को पता है कि 190 जो है वो बढ़ा था। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 0.19 जो है वो बढ़ा है 99 से, मतलब ये 0.099 से, सॉरी यहाँ पे मैंने 99 लिख दिया था, यहाँ पे 0.099 लिखना था। तो जी पार्ट में हम लोग को बोला जा रहा है कि 1.5 बढ़ा है या 1.50 बढ़ा है। तो यहाँ पे ये जीरो नहीं है, ये और का ओ है, तो यहाँ पे मैंने 1.5 है, ये 1.50 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो ना भी लिखे ना तब भी इसका ये 1.5 ही रहेगा। तो इन लोग ने हम लोग को कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक जीरो दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इंटू 100 कर दिया, तो ये पॉइंट आगे आके 150 हो गया, और ये पॉइंट भी आगे आके दो नंबर आके हो गया 150। तो 150 150 इक्वल है, तो मैंने लिख दिया 1.5 = 1.50। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर जीरो नहीं भी अगर हम लोग लिखे तब भी चलता है। तो एच में है कि 1.431 और 1.490, तो यहाँ पे तीन तीन नंबर था, तो इंटू 1000 क्या, फिर सबका पॉइंट जो है वो इधर इधर आके हो गया 1431, और ये हो गया 1490। तो आप लोग को पता चल गया रहेगा कि 1490 जो है वो बड़ा है। तो आपने लिख देखा 1.490, यानी ये बड़ा है 1.431 से। आई पार्ट हम लोग का 3.3 और 3.300, तो यहाँ पे आप लोग को देख के समझ गया रहेगा ये दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इन लोग ने एक्स्ट्रा जीरोस डाल दिए पॉइंट के, जो हम लोग नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, आप लोग को दिख रहा होगा, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों जो नंबर है वो इक्वल है। जे पार्ट में हम लोग को बोला गया 5.64 और 5.603। तो यहाँ पे आप अगर हम लोग जीरो लिखे ना लिखे उसका एक ही मतलब होता है, मतलब ना लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 5.640 के आगे एक जीरो लगा दिया, जिससे क्या होगा कि हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे जो नंबर है उसमें सिर्फ दो ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम लोग ने तीन डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दिया। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग ऐसा ऐड कर सकते हैं पॉइंट के बाद। पर फिर ये हो गया 5.640 और ये हो गया 5.603, तो आप लोग को पता रहेगा कि 640 है, तो मतलब वो 603 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 5.64, यानी ये नंबर जो है वो बड़ा है 5.603। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि मेक फाइव मोर एग्जाम्पल एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि हम लोग का पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हम लोग को ग्रेटर फाइंड करने का क्वेश्चन था, तो वैसे ही एग्जाम्पल्स हम लोग को इस क्वेश्चन में बनाने हैं, और बनाने के बाद हम लोग को सॉल्व करके हम लोग को बताने कि उसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को खुद करना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप लोग को पिछला क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो अब भी जाओ नीचे कमेंट कर दो, मैं उसमें समझा दूंगा आप लोग को। तो यहाँ पे मैंने छः थोड़े एग्जाम्पल बनाए, ऐसे आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हो, पर वो डेसिमल्स होना चाहिए, सादे नंबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 1.2 1.3 बना दिया, तो 1.2 और 1.3 में कौन सा बड़ा है आप लोग को देख के सब समझ में आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, 1.3 जो है वो बड़ा है 1.2 से। अगर आप लोग दोनों साइड 10 10 से इंटू करोगे तो ये जो पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 13 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 13 ऑब्वियसली बड़ा है, तो 1.3 इज ग्रेटर देन 1.2। फिर बी में मैंने बनाया 3.60 और 3.63, तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 63 है, तो 60 और 63 में आप लोग को पूछे कौन सा बड़ा है, तो आप लोग ऑब्वियसली बोलोगे कि 63 बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3.63 ग्रेटर देन 3.60। सी पार्ट में 2.89 2.90, तो 90 जो है वो ज़्यादा बड़ा है 89 से, तो 2.90 इज ग्रेटर देन 2.89। ऐसे आप लोगों को कुछ भी बनाना है, बस उसमें ग्रेटर फाइंड करना, वो भी बराबर। यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 0.3, तो अगर मैं पॉइंट इधर इधर ला दूंगा दोनों का 10 से इंटू करके, तो 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है 3 बड़ा है, 7 बड़ा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0.7 इज ग्रेटर देन 0.3। तो ई पार्ट में मैंने बनाया कि मैंने 72.8 और 96.9, तो 72 और 96, तो 96 बड़ा नंबर है, आप लोग को डेसिमल देखने की जरूरत नहीं, अगर नंबर ही बड़ा हो जाते तो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 96.9 ग्रेटर देन 72.8। यहाँ पे एफ पार्ट में 88.0 और 88.1, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 88.0, ये जो है एक होल नंबर है, मतलब पॉइंट अगर जीरो आप लोग नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। पर यहाँ पे मैंने 0.0 लिखा, तो ये भी एक डेसिमल बन जाता है, और यहाँ पे लिखा है 88.1, तो 88.1 और 88.0 ऑब्वियसली 88.1 जो है वो बड़ा होगा 88.0, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 88.1 ग्रेटर देन 88.0। तो यहाँ पे हम लोग के सारे जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो चुके हैं, दो ही क्वेश्चन थे वैसे तो, पर
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें आप लोगों को खुद से बनाना है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का दी एंड हो चुका है। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दे, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।